सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ऑटोकैड की एक और नई ड्राइंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक राउंड पिन का प्रोग्राम आप ऑटोकैड पर कैसे बनाओगे, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालना, ये सारा कंप्लीट मैं आपको प्रोसेस इस वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप ऑटोकैड में देख रहे हो, मैंने ये नोज पिन राउंड पिन बना चुका हूं और इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने बना दिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो है, वो आप देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको कोऑर्डिनेट निकाल के और ये पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसका प्रोग्राम बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको फिनिशिंग का ही प्रोग्राम बता पाऊंगा, क्योंकि रफ का पॉसिबल होगा नहीं। रफ का ही बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको फिनिशिंग का ही बता रहा हूँ। रफ का आप बना लोगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फिनिशिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, मार्जिन मैंने 1 mm छोड़ा है, बाकी सब लेथ मशीन में काट चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज इसका प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने दो इंसर्ट यूज ले रहा हूँ, एक तो VNMG और एक है फेसिंग के लिए टूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो टूल के ये फर्स्ट वाला टूल आप जो देख रहे हो, फर्स्ट टूल नंबर फर्स्ट और टूल नंबर सेकेंड, टूल नंबर फर्स्ट का काम करेगा। टूल नंबर फर्स्ट आपका इस तरह से, अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं, इसको मूव करके बता देता हूं आपको कि टूल नंबर फर्स्ट आपका क्या काम करेगा। इस एक्स और जेड, दो एक्सिस चलती है, एक्स और जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स एक्सिस पे आएगा तो ये आपका रेडियस काटेगा, रेडियस काटने के बाद ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा सीधा निकल जाएगा। ये आपका जो आपका ये गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा नहीं बना पाएगा, ये सिर्फ टूल नंबर फर्स्ट आपका क्या काम करेगा, रेडियस निकालेगा और सीधा निकल के होम पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो दूसरा नंबर टूल नंबर सेकंड है, ये क्या काम करेगा, अगर इसके मैं पोजीशन दिखाऊं आपको, इसको मूव करके दिखाऊंगा, तो सेकंड नंबर का जो आपका ये टूल है, ये क्या करेगा, जो आपको ये गड्ढा दिख रहा है, इसकी ये रेडियस लगाएगा, ये रेडियस पूरी कंप्लीट करके होम पोजिशन पर आएगा। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का यूज लूंगा मैं इस प्रोग्राम में, कैसे यूज लूंगा वो आप देखिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ये ओनली सीमेंस के लिए, सीमेंस कंट्रोल के लिए, फानुक के लिए होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये हम सीमेंस कंट्रोल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार ड्रॉइंग देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी 25 की रेडियस है, अगर यहां से मैं दिखाऊं, पच्चीस एम एम की रेडियस है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा एमएम में ही चल रहा है, और ये रेडियस भी आपकी ये 5 की हो गई, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं, तो राउंड पिन के लिए है अपना, मैंने इसका नाम रखा है राउंड पिन। क्लैंपिंग आप यहाँ से कर ही लोगे, ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्पेंडल पर क्लैंपिंग हो जाएगी। तो राउंड पिन के लिए मैं सीमेंस कंट्रोल यूज लूंगा। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले G75X0Z0, इसको X0Z0 पे पोजीशन पे सेट करना होगा। तो ये होम पोजीशन के लिए G75 अपन यूज लेते हैं, ताकि आपकी जो मशीन हो वो होम पोजीशन पे आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यूज लिया है T01। T01 का मतलब होता है कि आप फिनिश ओडी करोगे, जो भी आपका ओडी का पार्ट होगा वो फिनिश के लिए आप T01 का यूज लोगे। फिर उसके बाद आता है D1। D1 है ऑफसेट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 2, ऐसा अपन यूज लेते हैं, आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने यूज लिया है M6। M6 का मतलब होता है टूल चेंज के लिए, क्योंकि हमारे पास दो टूल है, तो दो टूल के लिए मैंने M6 यूज ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने लिया है G96X20 250 M3, लिमिट है 2000,
तो ये आपकी कटिंग स्पीड के लिए है। कटिंग स्पीड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्कशन में जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको कटिंग स्पीड के बारे में अच्छी नॉलेज आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में गया G0, G40, X50, X50 यानी आपका ये जो एक्स में है आपके, सॉरी एक्स में 50 है, तो इसको मैंने आपका जो फर्स्ट टूल है इसको मैंने X50 पे ला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, X50 के बाद G40 का यूज कहाँ यूज लेते हैं, यहाँ पर टूल रेडियस कंपेंसेशन ऑफ के लिए। यहाँ G40 आपका जो दिख रहा है ये क्या है, टूल रेडियस कंपेंसेशन ऑफ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर M08 के लिए कूलेंट मैं ऑन करूंगा, कूलेंट ऑन करने के लिए मैंने कोड यूज ले लिया M08। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आया मैं G01X1, फीड दे दीजिए 0.2, आप फीड अपने अपने हिसाब से दे सकते हो, मैंने आप 0.2 लिए, 0.3 भी ले सकते हो, जितनी आप फिनिशिंग चाहोगे टॉलरेंस उतना ही कम लो। अगर आपको रफिंग के लिए चाहिए तो रफिंग के लिए 0.3, 0.4, 0.5 तक यूज ले लो, अगर आप फिनिशिंग के लिए, क्योंकि मैं फिनिशिंग के लिए कर रहा हूँ तो मैंने 0.2 यहाँ ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे G0Z1 G0 के लिए, मतलब ये आपके होम पोजीशन पे आ गई कोऑर्डिनेट G0 G0। ठीक है फ्रेंड्स, और Z1 1 mm थोड़ा दूर ले लिया मैंने Z1 से, क्योंकि ये आपके X है और ये Z है, तो Z 1 mm मैंने थोड़ा दूर ले लिया। ठीक है, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, अपने अपनी श्रद्धा है, मैंने 1 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं G0 G42 X0 Z0 X0 Z0 का मतलब ये है कि आपका जो ये फर्स्ट टूल है, ये टूल है आपका, अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं इस तरह, तो ये Z0 Z0 ये इस पोजीशन पर जाएगी, बिल्कुल टच हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगे इसको, तो ये Z0 X0 Z0 पे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आ गए अपन, ये आ गए G01 G42 X और Z0 फीड रेट 25 दे दी मैंने। ठीक है, G42 का मतलब क्या है, टूल रेडियस कंपेंसेशन का है, और G40 टूल रेडियस कंपेंसेशन ऑफ के लिए, टूल रेडियस कंपेंसेशन ऑफ के लिए G40 और G42 टूल रेडियस कंपेंसेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या किया, G03 का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, G03 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, G02 का मतलब है क्लॉकवाइज। तो G03 यहाँ मैंने, क्योंकि ये इस तरह से आपका रेडियस लगाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अगर क्लॉकवाइज होता तो इस तरह से यूज लेते, फिर G02 यूज लेना पड़ता, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो G03 मैंने यूज ले लिया। G03 X50 मतलब यहाँ पे आपका ये 50 डायमीटर का आपका है, तो 50 डायमीटर मैंने Z50 ले लिया। Z25 25 को तो मतलब है आपका जो फर्स्ट टूल है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काटेगा, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस आपकी 25 है, तो 25 आपके यहां तक आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटर रेडियस 25 की है, ये आपके रेडियस दे रखी 25 है, सीमेंस है इसलिए काउंटर CR का यूज लिया है, अगर फानुक का होता हो तो ओनली मैं R यूज लेता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फीड रेट दे दी मैंने 0.15। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर आ गया, ये आपके रेडियस लगी है, पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं क्या करूंगा G01, क्योंकि लीनियर के लिए अपन G01 का यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लीनियर के लिए G01 Z113, फिर फीड 0.2, 113 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपका जो ये एंड पॉइंट है ये आपका 112.89 का है, इससे मैंने थोड़ा हल्का दूर ले लिया ताकि आपका यहां तक आपकी कटिंग हो जाए टूल। ठीक है, 113 तक हमने ले लिया, फीड रेट 0.2 दे दी, फिर G40 का मैंने आपको बता ही दिया, X55 ये 50 का है, तो थोड़ा ऊपर मैंने इस जो आपका पहला टूल है, सपोज करो मैं इसको दिखा देता हूँ मूव करके, ये आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया इस तरह से, इसने कटिंग की, कटिंग करने के बाद ये यहाँ पे आ गया 113 पे,
113 पे जैसे आया तो 100 मैंने ले लिया, 55 55 मतलब 5 mm इसको ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने के बाद इसको दोबारा मैं होम पोजीशन पे लेके आऊंगा, तो ये मैंने 55 ले लिया। G0 55 पे ले लिया और जेड 50 पे ले लिया, क्योंकि जेड आपकी 50 ही रहेगी, ऊपर ही उठाया मैंने इसलिए 55 यूज ले लिया। ठीक है, फिर M09, M09 का यूज कहाँ होता है, कूलेंट ऑफ के लिए, क्योंकि कूलेंट ऑन मैंने फर्स्ट स्टार्ट में कर लिया था और उसको ऑफ भी करना होता है, तो कूलेंट मैंने ऑफ के लिए M09 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर G75 होम पोजिशन, मैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे मैंने 55 mm इससे डेप्थ ऊपर ले लिया डाया, तो मुझे होम पोजीशन पे लाना जरूरी है, तो मैंने होम पोजीशन ला दिया। अगर आप होम पोजीशन पे नहीं लाओगे तो आपका जो आपकी ये WNMG की जो इंसर्ट है ये काम नहीं करेगी, क्योंकि फर्स्ट जो आपने टूल लिया था उसको ऑफ करना बहुत जरूरी है, तो मैंने फर्स्ट टूल को मैंने यहाँ ऑफ कर दिया। G75 Z0X0 होम पोजिशन पे ला दिया। फिर M01 का कहाँ यूज होता है, अगर आपको पता हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, फिर भी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। ऑप्शनल स्टॉप के लिए M01 का यूज होता है, ऑप्शनल स्टॉप के लिए। फिर मैं आया N2, N2 का मतलब है पार्ट काउंटर। T02 ग्रूविंग फिनिशिंग के लिए, क्योंकि यह आपका ग्रू है, इसको फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ ले लिया T02 का। फिर D1, D1 जैसे कि मैंने अभी बता दिया ऑफसेट, ऑफसेट के लिए यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर M6 टूल चेंज के लिए, क्योंकि फर्स्ट टूल अपना कंप्लीट हो चुका है, अब ये VNMG की इंसर्ट लगेगी और ये टूल नंबर सेकंड हो गया, तो ये काम करेगी कैसे मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से ये आएगी, ये रेडियस लगाएगी, फिर दूसरा रेडियस, फिर इस तरह से रेडियस लगाते हुए ऊपर जाके अपने होम पोजीशन पर आ जाइए, इस तरह से ये काम करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये G96 M लिमिट दे दी मैंने 1500 की मैक्सिमम। फिर G040 X55, क्योंकि 55 ऊपर थोड़ा 5 mm मैंने ऊपर तक ले लिया, क्योंकि ये पूरी 50 की डाया है, तो मैंने 5 mm इससे थोड़ा ऊपर ही रखा है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अगर 50 से नीचे लोगे तो एक्सीडेंट और इंसर्ट टूटने का चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे 5 या 2 mm जितना आप रख सको रख लीजिए, जरूरी नहीं है मैं 5 ही रखो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, और भी ज्यादा भी रख सकते हो, अपने अपने ऊपर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आ गया अपन M8 लिमिट हो गई आपकी जी और 55 पे मैंने ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आया M8, M8 का मतलब है कूलेंट ऑन के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया कूलेंट ऑन भी करना है और ऑफ भी करना है, तो कूलेंट ऑन के लिए मैंने ले लिया G0 M8 यूज ले लिया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आया अपन G01 G40 X55, 55 यानी 50 का तो डायमीटर है, तो 55 मैंने ले लिया, 5 डेफ उसके लिए 5 mm उठा के ले लिया, और Z68.11। अब 68.11 का मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये तो ओडी तो हमने काट दिए, अब जो आपका एक ग्रू दिख रहा है 68.11 यहाँ पे आके रुकेगा WNMG की इंसर्ट, ये इस तरह से, उठ के आएगी, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह से उठ के आएगी और इस तरह से आप ये इस पोजीशन पर आके रुक जाइए। फिर उसके बाद ये रेडियस लगेगा, रेडियस लगने के बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठेगी, फिर इस तरह से G01 यूज लेंगे क्योंकि लीनियर है, फिर CR काउंटर रेडियस के लिए, फिर G01, फिर काउंटर रेडियस के लिए, फिर G01 और फिर काउंटर रेडियस के लिए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है क्योंकि इस तरह से घूमेगी, तो G02 का यूज लेंगे, अगर इस तरह से घूमती तो G03 यूज लेते। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। M8 पर आ गए हम, M8 का मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर G042X इस पर आ गए, फिर अपने काउंटर रेडियस दिए 5 की, क्योंकि 5 की ही अपने पास काउंटर रेडियस, ये 5 की है तो ये भी 5 की है आपकी,
ये 3 3, ये दोनों 5 5 की है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो इसको हम थोड़ा यहाँ से मूव कर देते हैं इसको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके पास में ला देते हैं इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एम एट पे आ गए, 0042 का मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है, कोल्ड रेडियस कंपनसेशन के लिए है। फिर अपन आए 0033। 0033 का मतलब क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज 0033, क्योंकि इस तरह से आएगा ये इस तरह से घूमेगा, ये 5 की रेडियस लगेगी ना आपकी, तो ये इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड। तो 0033 x 45, क्योंकि 45 mm पे है ये 45 है, 5 की रेडियस लगा दी तो 5 mm नीचे डेप्थ में चले जाएगा, 45 ले लिया। z 72, जो बेहतर दे रखिए 72.44, काउंटर रेडियस 5 है, और फीड दे दी मैंने 0.15, ठीक है। फिर 001 लीनियर, 001 x 27, ये 27 का, उसके बाद अपने कोऑर्डिनेट जो जी है ये है, ये सारे चलेंगे। 27 के बाद जेड आ जाएगा 72.64, 72.64 आ जाएगा, 72.44 आ जाएगा, 27 आ गया, ये 27 आ गया, 27 के बाद 77.64, ये 77.64 आ गया। फिर G02, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इसलिए G02 यूज ले लिया मैंने। फिर X24, 24 और 24 82, 80.24, ये जेड के लिए। फिर इस तरह से पूरा G01, क्योंकि लीनियर है तो G01 मैंने यूज ले लिया। X45 और जेड 108.56, 108.56 आपका ये रहा, यहाँ तक आ गया। फिर आपका इस तरह से है G03 जेड 112.89, ये 112.89, और CR5 काउंटर रेडियस है सीमेंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये लीनियर है तो G01 पूरा आ गया, और X52, ये 52 तक ले लिया मैंने, ऊपर उठा गया थोड़ा 2 mm, ठीक है। Z113 और फिर डेट दे दिए 0.4। फिर G40 X55, 5 mm मैंने ऊपर उठाया और होम पोजिशन पे इसको ले गया, यह होम पोजीशन आ गया। फिर M30 का मतलब है प्रोग्राम एंड के लिए M30 का यूज लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ दो चीजें यूज लिए, ये दो चीजों को भी आप यूज लेना, OD के लिए और VNMG इंसर्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंसर्ट के बारे में और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो है, वहां आप देखिए, आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।